हेलो गाइस, स्वागत है आपका नया स्वीट किचन में। आपके लेके आए टेस्टी सी आइसक्रीम। नहीं है तो आप इस तरीके से आइसक्रीम बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम्मी बनती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज्यादा क्विक रेसिपी है ये। ठीक है, हम इस तरीके से बनाते हैं। मेरे पास यही है रसमलाई, अंगूरी रसमलाई है मेरे पास। मैंने इसकी रेसिपी भी आपको दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जरूर चेक करिए। मैं इसको इस तरीके से तोड़ दूंगी, टुकड़ों में तोड़ लीजिए। हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है। और मेरे पास यहाँ पर है क्रीम, व्हिपिंग क्रीम है मेरे पास, लगभग लगभग एक बड़ा चम्मच। इसके अंदर हम इसको मिक्स कर देंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये नहीं करना आपको, रसमलाई में बहुत ही क्विक बनी है। मैंने आपको राजभोग आइसक्रीम की भी रेसिपी दी है, बहुत ही यम्मी बनती है। दोनों चीज़ जो है वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, वरना जो हमारी क्रीम है वो फट सकती है। हमारी जो है आइसक्रीम का जो बेस है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, बहुत ही यम्मी वाला। ये हम इसको जमाने के लिए बॉक्स ले लेंगे, कोई भी टिफिन बॉक्स में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। मेरे पास ये प्लास्टिक का बॉक्स है, एक बार जरूर बनाकर खाइए, सच में बहुत ही यम्मी और बहुत टेस्टी लगती है। रसमलाई से आपने देखा कितनी टेस्टी आइसक्रीम बनेगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी आइसक्रीम बाहर का भी टेस्ट भूल जाएंगे आप, बाहर से आइसक्रीम लाना ही भूल जाएंगे। और ज़्यादा ज़्यादा रसमलाई आप घर पर बचा कर रखेंगे इस तरीके से आइसक्रीम बनाने के लिए। एक बार ज़रूर बनाइए। ठीक है, रैप करना, और इसके साथ मैं डाल देती हूँ उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। तरीके से मिक्स कर देंगे हम, अब डाल देंगे उस पर ड्राई फ्रूट। मैंने जो काजू है उनको थोड़ा सा कलरफुल बना रखा है, थोड़ा सा मैंने इनमें कलर भी लाया था। इससे देखिए हमारी जो रसमलाई आइसक्रीम है कितनी टेस्टी लग रही है, देख सकते हैं आप। देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी इसको खा जाए बगैर जमाए ही, बहुत ही यम्मी लग रही है ये देखने में। देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है, ऐसा मन कर रहा है कि एडजस्ट अभी अभी इसको ख़त्म कर दें। चलिए देखिए कितना बहुत ही यम्मी। इसमें बल्कि थोड़ा सा लाइटिंग कलर दिख रहा होगा आपको फोन में, इसका कलर बहुत ही प्यारा है। चलिए हम इसको इस तरीके से फॉइल पेपर हो इस तरीके से लगा देंगे हम, और मैं इसको जमने के लिए छोड़ दूँगी। चलिए देख लेते हैं हमारी आइसक्रीम को। वाह, देखिए क्या मस्त जमी हमारी, ये देखिए क्या मस्त जमी हमारी आइसक्रीम, और सॉफ्ट तो आप देख सकते हैं कितनी यम्मी है। मुझे जरूर बताइए कि मेरी वीडियो कैसी बनी है और कैसी लगी आपको, बहुत ही यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है आइसक्रीम। एक बार ज़रूर बनाइए बची हुई रसमलाई से, सच में बहुत यमी बनती है, और ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।